जी हाँ, चुने एक ऐसे पहरेदार को जो हमेशा आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ग्राम पंचायत राज माधवपुर वर्तमान मुखिया सह आगामी भावी मुखिया उम्मीदवार भाई जनार्दन सिंह जी को भाई जनार्दन सिंह जी कहते हैं। जन जन का सम्मान करेंगे, बस एक बार और माधवपुर के भावी प्रत्याशी जनार्दन सिंह को मौका दें। जेरे जमी रहे न जेरे आसमां रहे, शोलों में दबकर कब तक धुआं रहे। आइए गरीबों के हक अधिकार के लिए इस धुएं को चिंगारी बनाते हैं और चिंगारी को एक आग। आइए सुनते हैं गरीबों के मसीहा और समाज सेवी भाई जनार्दन सिंह से क्या कुछ कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ माधवपुर के वर्तमान मुखिया सह आगामी चुनाव मुखिया प्रत्याशी जनार्दन सिंह जी से। आज मैं कुछ खास बातचीत कर रहा हूँ। जी मुखिया जी, बताएं आपका इस समाज में क्या क्या योगदान रहा, किस आधार पर इस बार चुनाव लड़ेंगे आप, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? देखिए देखिए, इस पंचायत के चुनाव में जो है मैं फिर पुनः पांचवी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। दो बार मेरी माँ रही चुकी, महिला सीट हो गया। आप ये बताइए, चीजें चुनाव लड़ रहे हैं ये मतलब जनप्रतिनिधि से हट के सामाजिक स्तर से समाज में आपका क्या क्या योगदान रहा, किस तरह से आपने समाज को एक अच्छे रास्ते पे लाया, क्या विकास किया, क्या सेवाएं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मुखिया बनने से पूर्व मैं इस पंचायत का जो है जन कल्याण समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, और उस क्रम में मैंने वैसे 50 सामाजिक विवाद रहे जिसको मैंने हल करने का प्रयास किया है, और उसी की देन है कि माधवपुर की जनता यह समझ चुकी कि यह नौजवान में कोई जज्बा है। चूंकि मुखिया बनने के पूर्व मैंने 50 ऐसे कार्य जो वैसे वैसे पंचायत के में वैसे वैसे कानून थे विवादग्रस्त था, उस सबको जो है पंचायत के माध्यम से मैंने हल किया, और उसके बाद जब मैं पंचायत का मुखिया बना तो उसके बाद गरीबों के साथ मेरा जो है जो रिश्ता होना चाहिए, चाहे वो हमारे पंचायत के कुछ ऐसे गरीब लोग थे जिन्हें इलाज के लिए पैसे देने का काम किया, उनको जो है हर संभव आर्थिक मदद किया है, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने वैसे कितने लोग का काम किया है। जी एक एक बात बताएं, जिस समय आप मुखिया रहे थे उससे पहले आप पूर्व में जैसा कि आप बोल रहे हैं मैंने सहयोग किया, तो उसके मतलब आप अपने गांव में जो किसी गरीब की बेटी का शादी में भी कुछ? निश्चित रूप से मैं कई गरीब की बेटी का जो शादी करवाया है, बेटी के जो है गांव के जितने पति पत्नी का जो है संबंध बिगड़ चुका था उसको जो है वहां तक जा करके दोनों में सामंजस्य करने का प्रयास किया है, उनकी जो है ससुराल हो चाहे वो उसके घर वाले से मिलजुल करके कई ऐसे दोनों को दाम्पत्य जीवन को जो है एक जगह करने का काम किया है। साथ ही साथ मैं जो है समाज में वैसे सब काम किया है, चाहे हम मुखिया पद पर भले रहूं लेकिन कई ऐसे सामाजिक कार्य हो मेरे सामने, आप ले लीजिए कि जितने वर्षों से विवाद हुए पड़े थे मैं उन सबको जो है निष्पादन करने का काम किया, और उसके अलावे मैं सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, और चाहे वो गरीब हो अमीर हो या जिस जो भी दबे कुचले व्यक्ति हो सबको समान लेकर चलने का प्रयास किया है, और हमसे मैं नहीं समझता हूँ कि किन्हीं व्यक्ति को कोई परेशानी हुई होगी। सामाजिक कार्य में आपका कैसा भूमिका है? बिल्कुल, हम जो है अपने स्तर से प्रयास किए हैं और मैंने अपना किया भी है, जैसे बढ़ चढ़ करके चाहे वो धार्मिक स्थल का क्षेत्र हो या सामाजिक स्तर का क्षेत्र हो, गांव के चाहे किसी भी क्षेत्र में मैं समाज में बढ़ चढ़ करके जो है अपना हिस्सा लिया है, इसके लिए तो समाज उदाहरण है। मैं किसी भी गांव किसी भी क्षेत्र में चाहे जो भी सामाजिक कार्य हुए हैं बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लिया है और जो है उसको काम किया है, वो तो जनता ही विशेष वो बताएगी आपको। खास करके आप बुजुर्गों के लिए क्या किए? बुजुर्गों के लिए खास करके कोई ऐसे बुजुर्ग हमारे पंचायत में नहीं होंगे, चाहे वो वृद्धजन योजना हो या विधवा पेंशन योजना हो, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हो, पारिवारिक लाभ योजना हो, इस तरह के जितने भी हमारे खास करके वृद्धजन, हमको नहीं लगता है कि कोई इस पंचायत में वैसे होंगे जिन्हें की वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा हो, या जो है वो APL में भी थे तो बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश हुआ कि नहीं उन लोगों को भी जो वृद्धजन हैं उन्हें भी पेंशन दिया जाए, लगभग 400 से ऊपर लोगों को जो है फिर छोटे लोगों को भी वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिलाने का
अनवरत प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और 24 न्यूज में जुड़ने के लिए। ठीक है।